नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी, आपकी टैरेट का रीडर एंड काउंसलर, एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम यार, न्यू दिल्ली से। आज हम बात कर रहे हैं वीकली होरोस्कोप, कमिंग वीक सबके लिए कैसा रहेगा, सबके लग्नों पे क्या असर पड़ेगा। तो इसके लिए मैं अपने स्टूडियो में बुलाना चाहूंगी रिनाउंड सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर सुमित सेठी। तो आइए सुमित, आपका हमारे स्टूडियो एस्ट्रो पॉइंट में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। मैं सुमित सेठी, आपका सिवाय फ्रेंड पश्चिम भारत दिल्ली से। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। वीकली होरोस्कोप 5th सितंबर 2024 को ये अपलोड होगी। आज है 3rd ऑफ सितंबर 2024 ट्यूसडे, ठीक 2 दिन बाद अपलोड होगी। 8 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक की प्रेडिक्शन है, संडे टू सैटरडे, कमिंग संडे टू सैटरडे। और ये इंडिया की कुंडली आज तक के प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस। हमारी जो प्रेडिक्शन होती है वो लगन से होती है। लगन मीन्स फर्स्ट हाउस। अपनी कुंडली खोलिए, बर्थ चार्ट खोलिए, और ये फर्स्ट हाउस होता है कुंडली में, देखिए इसमें कौन सा नंबर लिखा है। 4 लिखा था कैंसर है, 5th लिखा था लियो है, 6th लिखा था वर्गो कन्या है। तो उसी से हमारी प्रिडिक्शन मैच कीजिए। हमारी प्रिडिक्शन मून साइन से नहीं होती, चंद्र राशि से। ये पॉइंट्स मैं पढ़ देती हूँ। और हाँ, आज हम फिर से एरीज मेष से लेकर वर्गो कन्या तक बनाएंगे। बाकी कल हम बनाएंगे हमेशा की तरह पार्ट टू में लिब्रा तुला से लेकर पाइसिस मीन तक। तो ये पॉइंट्स मैं पढ़ देती हूँ। 7th ऑफ सेप्टेम्बर सैटरडे को गणेश चतुर्थी है। 14th ऑफ सेप्टेम्बर सैटरडे को एकादशी है। 16th ऑफ सेप्टेम्बर सूर्य जा रहा है कन्या में, कन्या राशि में, 6 नंबर में, इंडिया के 5th हाउस में। बुध आदित्य योग पूरे सप्ताह बुध आदित्य योग रहेगा। ये बुध और सूर्य इकट्ठे हैं। शुक्र नीच पूरे सप्ताह, शुक्र नीच का रहेगा पूरा हफ्ता। शेयर मार्केट वॉन्ट बी फ्लैट नाउ, शेयर मार्केट अब फ्लैट नहीं होगी दोस्तों। एक हफ्ता नया हफ्ता स्टार्ट हो गया दोस्तों, ये बड़ा पावन दोस्तों, बड़ा डिवाइन हफ्ता रहने वाला। बिकॉज यहाँ पर दोस्तों गणेश चतुर्थी हो गई, गणेश जी की स्थापना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। एक बहुत ही दोस्तों डिवाइन हफ्ता, तो एक बार दोस्तों हम लोग शुरुआत कर गए इस हफ्ते की। दोस्तों इस हफ्ते शेयर मार्केट को लेकर भी कुछ चीजें होंगी दोस्तों, जो मैं आपसे बात करना चाहूंगा। दोस्तों गोचर भी है इस हफ्ते, ये ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ इस हफ्ते के एंड में दोस्तों काफी सारे गोचर होंगे, ट्रांजिट होंगे। बट इस हफ्ते में दोस्तों अगर हम शुरुआत करके देखें, दोस्तों आज आप थर्सडे को ये वीडियो देखेंगे, 2 दिन बाद दोस्तों 7 तारीख को यानी कि शनिवार के दिन दोस्तों गणेश चतुर्थी का पावन त्यौहार। तो हालांकि महाराष्ट्र में इसकी बहुत धूम रहती है, बॉम्बे में इसकी दोस्तों बहुत धूम रहती है, नॉर्थ में जहाँ पे हम लोग रहते हैं दोस्तों वहाँ पे इतना नहीं होता। बट दोस्तों गणेश चतुर्थी का त्यौहार बहुत शानदार। सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या है, इस बार का जो दिन है वो दोस्तों शनिवार के दिन आ रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट दिन बन जाता है दोस्तों, जिसमें शनिदेव का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। और जिस दिन दोस्तों ये 7 तारीख को ये गणेश चतुर्थी होगी दोस्तों, उस दिन आप नोटिस कीजिए, बुध जो कि दोस्तों गणेश जी का ही रिप्रेजेंटेटिव है दोस्तों, वो सूर्य के साथ है, यानी कि बुध आदित्य योग दोस्तों फॉर्मेशन होगी दोस्तों अभी सूर्य की ही राशि में। और दोस्तों जिस दिन ये क्या बोलते हैं दोस्तों शनिवार के दिन ये जो है दोस्तों गणेश चतुर्थी का त्यौहार, उसी का लॉर्ड शनि दोस्तों, उसका भी दोस्तों बुध पे स्पेशल इफेक्ट। तो वो सभी लोग दोस्तों जिनकी कुंडली में बुध की दशा चल रही है, जैसे बुध की महादशा अंतर दशा चल रही है, शनि की दशा अंतर दशा चल रही है, शनि के 7.5 ही चल रही है दोस्तों, उनके लिए स्पेशल डे आ जाते हैं। यहाँ पे अच्छी पूजा करेंगे, दान पुण्य करेंगे, काफी ज्यादा फर्क है। तो इसके मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा तो हम लोग बात करके देखेंगे। दोस्तों 14 तारीख का शनिवार के दिन दोस्तों एकादशी रहने वाली है। दोस्तों आपको तो मालूम है कि अब एकादशी श्राद्धों से पहले की आखिरी एकादशी रहेगी, तो उसके बाद उसे श्राद्धों से हम लोग बढ़ चलेंगे। दोस्तों श्राद्धों से एक दिन पहले यानी कि 16 तारीख को सूर्य होगा इस, जब ये वीक खत्म होने वाला होगा दोस्तों, तो 16 तारीख मूव करके 6 नंबर में आ जाएगा, जहाँ पे दोस्तों शुक्र भी है नीच का। तो यहाँ पे शुक्र भी होगा और सूर्य भी होगा, तो इसका भी एक अलग से कहीं ना कहीं दोस्तों एक योग बनेगा दोस्तों, उसकी हम अगली बार बात करेंगे अगले हफ्ते के लिए। बट इंपॉर्टेंट योग है दोस्तों, थोड़ी सी नेगेटिविटी बढ़ाने वाला योग है दोस्तों। तो दोस्तों पूरे हफ्ते बात करके देखें दोस्तों, बुध आदित्य योग, बुध और आदित्य सूर्य, इन दोनों की फॉर्मेशन सूर्य की राशि में दोस्तों रहेगी दोस्तों, गुरु से चौथे घर में रहने वाली, तो काफी अच्छी फॉर्मेशन रहने वाली है। तो दोस्तों जिनकी अपनी कुंडली में भी बुध आदित्य योग है, जिनकी अपनी कुंडली में दोस्तों बुध की दशा चल रही है, सूर्य की दशा चल रही है, सिंह राशि है, सिंह लगन में दोनों है, तो दोस्तों उनके लिए बहुत बड़ा टाइम यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। इट्स अ बिग बिग डे फॉर बोथ, मतलब बाकी लोगों के लिए। तो शुक्र की भी बात करें दोस्तों, शुक्र भी पूरे हफ्ते दोस्तों नीच का ही रहेगा, राहु के इम्पैक्ट में रहेगा दोस्तों, मंगल के इम्पैक्ट में रहने वाला है। इसकी दोस्तों हमारी वीडियो है कि इसमें क्या हो सकता है या क्या नेगेटिविटी है क्या पॉजिटिविटी है दोस्तों, उसका देखिए काफी एक इम्पॉर्टेंट दोस्तों इसके इम्प्लीकेशन है, इसके दोस्तों आप लोग हमारी वीडियो देखिएगा। दोस्तों अभी तक आपने नोटिस करा पिछले हफ्ते ये जो हफ्ता भी मतलब जो अभी हफ्ता बीता दोस्तों, इसमें तो शेयर मार्केट बिल्कुल फ्लैट रही, 2525-3125 के आसपास रोटेट करो, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन दोस्तों नहीं रही। और इनफैक्ट दोस्तों मतलब मार्केट ने रिकॉर्ड तो नए स्थापित किए, 25-300 के आसपास भी चलेगी मार्केट, लेकिन निफ्टी की बात करें दोस्तों, लेकिन शेयर ओवरऑल दोस्तों इक्विटी ओवरऑल की बात करें, स्पेसिफिक शेयर की बात करें तो वो काफी ज्यादा डाउन है। तो ये फ्लैटनेस के बावजूद शेयर का जो डाउन जाना दोस्तों, हर तरीके से शिकायत आई थी, कई लोगों ने दोस्तों बताया था कि शेयर डाउन को जा रहे हैं, क्या इसमें निफ्टी का रोल है, क्या चीज है,
वो फ्लैट मार्केट की वजह से ही ये सारा कुछ हुआ था। लेकिन अगला हफ्ता दोस्तों जो रहेगा, जिसमें दोस्तों क्योंकि बुध अब चेंबर में आ चुका है, उसके साथ में राहु का भी इम्पैक्ट है, सूर्य भी इस पर यहाँ पे ज्वाइन कर लेगा चेंबर के अंदर। राहु के इम्पैक्ट में आ जाएंगे दोस्तों, मंगल के इम्पैक्ट में आ जाएंगे दोस्तों, इसका अपना ही एक इफेक्ट आने वाला है, इसका अपना ही एक कहीं ना कहीं दोस्तों असर पड़ेगा। तो अगला हफ्ता यानी कि जो कमिंग हफ्ता जिसके लोग हम दोस्तों वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पे जो शेयर मार्केट में उथल पुथल होगी, यहाँ पे जो शेयर मार्केट में थोड़ी सी आप लोग मान के चल सकते हैं कि थोड़ी सी नेगेटिविटी रहने वाली है, डाउन भी मार्केट जा सकती है, मार्केट अप भी जा सकती है। एक जो काइंड ऑफ दोस्तों फ्लैटनेस ना साइडवेज मार्केट थी, या थोड़ी सी ऊपर या थोड़ी सी नीचे, वो नहीं रहेगी दोस्तों, थोड़ी सी यहाँ पे हलचल बढ़ने वाली है। तो अगला हफ्ता दोस्तों एक्शन पैक रहने वाला शेयर मार्केट के लिए, और दोस्तों इसकी तो वीडियो बनाऊंगा बनाऊंगा वीकली वीडियो दोस्तों बनाता ही हूँ। तो एक बार इसकी हम गणेश चतुर्थी की भी वीडियो बना के डालते हैं, और आपने मतलब इसमें आप देखिएगा क्या रहने वाला है दोस्तों। तो उसके हिसाब से दोस्तों जिनकी अपनी कुंडली में कुछ है रेमेडीज करने लायक, वो रेमेडीज करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो बुध का दोस्तों जो नेगेटिविटी है आपके चार्ट में खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों ओवरऑल अगला हफ्ता ये रहने वाला है, कोई खास गोचर नहीं है दोस्तों, 8 से 14 के बीच में दोस्तों गोचर नहीं है। हालांकि दोस्तों 16 तारीख का ये दोस्तों कम क्या सूर्य का 16 तारीख को सूर्य का गोचर है, 18 को दोस्तों शुक्र का भी गोचर है, तो वो अगले हफ्ते में हम लोग कट्टर करके चलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स हमने सब डिस्कस कर लिए हैं, तो हम सीधा लग्न पे आते हैं। नंबर वन एरीज मेष लग्न, मंगल की राशि, इनके लिए कैसा रहेगा ये वीक? तो अगले हफ्ते की बात करें, एरीज की बात करके देखें दोस्तों, अगर आप नोटिस करेंगे इनके फिफ्थ हाउस में बुध और सूर्य आते हैं दोस्तों, यानी कि अच्छा दोस्तों योग बनता है त्रिकोण में बुध और सूर्य का इकट्ठा आ जाना, त्रिकोण के अंदर बुध अत्य योग का बन जाना दोस्तों। बुध दोस्तों जो कि आपकी कुंडली में आपकी ट्रेवलिंग को डिनोट करके चलेगा दोस्तों, तो इसका सिक्स हाउस फिफ्थ हाउस में आ जाना दोस्तों, वो सभी लोग जो फाइनेंस मार्केट में, वो सभी लोग जो शेयर मार्केट में, वो सभी लोग दोस्तों बैंक में जॉब करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करते हैं, या किसी भी दोस्तों फाइनेंशियल सेक्टर के साथ जुड़े हुए सीएस हैं, अकाउंटेंट्स हैं, सीएस हैं दोस्तों, कंपनी सेक्रेटरी, इस तरह के फील्ड में उनके दोस्तों जहाँ पे थोड़ा सा हमें बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन दोस्तों एक बात हमें ध्यान में देखे चलिए कि आपके छठे घर में जो शुक्र का भी नीच का होना साथ में राहु का, जिनको दोस्तों ऑलरेडी यूरिन के इशूज रहते हैं, जिनको दोस्तों मतलब आप मान के चलिए पैनक्रियाज में दिक्कत है, जिनको तो शुगर के इशूज रहते हैं, यूरिन के इशूज हैं दोस्तों, जिनका जिन लेडीज के बाद के यूट्रस में इशूज है, उनको थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे बढ़ेगी। बिकॉज दोस्तों यहाँ पे इस अब मंगल की दोस्तों डिग्री बढ़ चुकी है, मंगल का इम्पैक्ट आ गया, शुक्र की डिग्री बढ़ चुकी है, तो इनके इम्पैक्ट की वजह से दोस्तों आपका जो यूरिन वाला जो पार्ट है, या लेडीज के बाद का यूट्रस वाला जो पार्ट है, ओवरीज वाला जो पार्ट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाला जो पार्ट है, वो इफेक्टेड होगा। बट ओवरऑल कामकाज की बात करके देखें, ये हफ्ता दोस्तों कहीं से भी निराश नहीं करेगा, चाहे दोस्तों पितृपक्ष यहाँ से बिल्कुल स्टार्ट होने वाला, 3 दिन बाद पितृपक्ष हो जाएगा, आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेस हैम्पर नहीं होगा जितना होना चाहिए, बिकॉज आपको जो इनकम वाला जो पार्ट है वो सही रहेगा। और कहीं अगर आप स्टॉक मार्केट के साथ साथ आपका कोई बिजनेस भी है, अगर कोई लॉसेज आपको बिजनेस से हुए या काम स्लो रहा आपका पितृपक्ष की वजह से, श्रादों की वजह से, स्टॉक मार्केट से उसकी भरपाई होने के चांसेस बन जाते हैं। समझदारी के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे, समझदारी का ट्रेडिंग करेंगे, तो नुकसान होने की संभावना कम हो जाती है। यहाँ अच्छा हफ्ता रहने वाला है, मतलब इनके लिए वीक सही है, बस थोड़ा अलर्ट होके काम करें। बिल्कुल अलर्ट होके काम करना। चलिए अब हम आते हैं सेकंड नंबर, टॉरस वृषभ, शुक्र की पहली राशि, इनके लिए कैसा रहेगा? दोस्तों इनके लिए इंपॉर्टेंट हफ्ता रहेगा ये वाला, बिकॉज आप नोटिस करेंगे सभी मेजर दोस्तों प्लैनेट इनके फोर्थ या फिफ्थ हाउस में रहने वाले हैं। तो हालांकि आपको जो शुक्र जो आपका मेन जो प्लैनेट है तो वो नीच का है, तो हालांकि जब सेल्फ का लॉर्ड दोस्तों नीच का हो जाता है तो अब तो इसकी डिग्री भी बढ़ चुकी है, तो ये दोस्तों लगभग आखिरी हफ्ते में आ चुका है, बिकॉज इसके अगले हफ्ते दोस्तों ये अपनी तुला राशि में आ जाएगा, तो दोस्तों इसकी डिग्री बढ़ चुकी है, तो थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल सकते हैं आपके ऊपर, बिकॉज आपके 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 सेल्फ को डिनोट करता है दोस्तों, फिफ्थ हाउस में आ चुका है, तो यहाँ पे दोस्तों लव लाइफ की बात है, बिकॉज शुक्र दोस्तों हो गया आपका सेल्फ, फिफ्थ हाउस हो गया आपकी लव लाइफ या कोर्टशिप पीरियड, तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। रीजन बिंग दोस्तों के सामने से दोस्तों राहु का भी इम्पैक्ट है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में काफी ज्यादा काम करते हैं, तो अपनी रिलेशनशिप को संभाल के चलिए। लिव इन में अगर आप रहते हैं, कोर्टशिप पीरियड अगर आपका चल रहा है, तो भी जरा समझदारी के साथ अपने पार्टनर को ट्रीट करके चलिए, जबरदस्ती के बहसबाजी से हम लोग बचेंगे, नहीं तो यहाँ पे चीजें खराब हो सकती है। बट ओवरऑल हम लोग देख के चले, फोर्थ हाउस में दोस्तों सूर्य का अपने साइन में होना, बुध का दोस्तों जो कि आपके चार्ट में देखें वेल्थ और आपके लक का लॉर्ड है, उनसे सामने शानी जो करियर का लॉर्ड है, इतना शानदार इम्पैक्ट, करियर की बात करके देखें, एसेट्स की बात करके देखें, वेल्थ की बात करके देखें, ये हफ्ता दोस्तों उसमें उसमें कहीं ना कहीं प्लस में ही करेगा। मकान अपना देखे, रेंटेड से अपने में जाना चाह रहे हैं, अगर आप मकान दूसरा भी लेना चाह रहे हैं, रेंटल छोड़ के आपको वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया 11 महीने का, आप दूसरे हाउस में शिफ्ट करना चाह रहे हैं या बड़े मकान में शिफ्ट करना चाह रहे हैं, ये हफ्ता दोस्तों उसमें आपकी हेल्प करने वाले हैं। बिकॉज ये हफ्ते में दोस्तों ना सिर्फ सूर्य की डिग्री बढ़ेगी, बुध की भी डिग्री बढ़ने से दोस्तों उनको स्ट्रेंथ मिलने वाली है, तो कुल मिलाकर दोस्तों वृषभ लगन वालों के लिए एक वीक टू लुक फॉरवर्ड टू, यहाँ पे आप एक एंटिसिपेट कर सकते हैं, अच्छा टाइम रहेगा आपके साथ। और जी चलिए, मतलब टॉरस वालों के लिए भी अच्छा है, बेटरमेंट है। चलिए अब हम आते हैं थर्ड नंबर, जेमिनाई मिथुन, बुध की पहली राशि, इनके लिए कैसा रहेगा? दोस्तों इनके लिए एक अच्छा हो चुका है, बुध दोस्तों रेट्रोग्रेशन से बाहर आ चुका है दोस्तों, सेकंड हाउस से बाहर आ चुका, थर्ड हाउस में दोस्तों आ गया,
तो सेल्फ का लॉर्ड थर्ड हाउस में थर्ड का लॉर्ड था दोस्तों। सूर्य होगा आपका थर्ड यानी कि कर्क दोस्तों, बुध होगा आपकी माइंड, आपके ब्रेन, आपकी कैलकुलेटिव पार्ट, बिकॉज आपके सेल्फ और आपका माइंड का, आपके इमोशन को डिनोट करता है फोर्थ हाउस। तो उसका कहीं ना कहीं सूर्य के साथ थर्ड हाउस में आ जाना आपकी कैलकुलेटिव पावर को बढ़ाएगा दोस्तों, कम्युनिकेशन को बेटरमेंट करेगा, कॉन्फिडेंस को बेटरमेंट करेगा। और दोस्तों क्योंकि थर्ड कलॉट भी थर्ड हाउस में, जो ट्रेवलिंग दोस्तों आपके रहने वाली, शॉर्ट ट्रेवलिंग आपके रहने वाली है, मान लीजिए आपका ट्रेवलिंग का ही बिजनेस है, ट्रेवलिंग की आपके जॉब है, तो बढ़ सकते हैं वो, उनका क्वांटम बढ़ सकता है। तो थर्ड हाउस होगा आपके सिबलिंग्स का, आपका फ्रेंड सर्कल का दोस्तों आपका, तो उनके साथ भी आपका कहीं ना कहीं घूमना करना, छोटी मोटी दोस्तों पार्टीज चलेंगे यहाँ पे, बेसिकली एंजॉयमेंट का टाइम। तो दोस्तों शुक्र की बात करें, आपके फोर्थ हाउस में नीच का चल रहा है अभी, तो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि खासकर लव लाइफ वालों के लिए उनको थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बिकॉज शुक्र अगेन दोस्तों अपोजिट से, और आपके मतलब फिफ्थ हाउस का भी लॉर्ड है जो रिलेशनशिप को दिखाते हैं, और फोर्थ हो गया आपके इमोशन का, इमोशन तो सर एक एक काइंड ऑफ दोस्तों वीक टाइम हो सकता है आपके लिए, बिकॉज राहु भी यहाँ पे है। तो अपने फ्रेंड सर्कल या अपनी जो आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें संभाल के चलिए, बट अदर देन दैट दोस्तों शनि का इम्पैक्ट सूर्य बुध के ऊपर अच्छा काम करेगा, भाग्य को बढ़ाने वाला काम है। तो जॉब बिजनेस की बात करें और ट्रेवलिंग की बात करें, फ्रेंड सर्कल की बात करें, चीजें बेहतर है दोस्तों, कोई इसमें शक शुबा नहीं होना चाहिए। चलिए, मतलब जमीनाई वालों के लिए भी अच्छा है, मतलब सबके लिए अच्छा बता फिलहाल ना, क्योंकि सारे गोचर ही आते हैं यहाँ पे। चलिए अब हम आते हैं 4 नंबर, कैंसर कर्क, इनके लिए कैसा रहेगा चंद्रमा की राशि? दोस्तों अब देखें यहाँ पे, अगर इस हफ्ते की बात करके देखें दोस्तों, आपके सेकंड हाउस में सूर्य है दोस्तों अपने साइड में, यानी कि और साथ में दोस्तों आगे बुध भी, यानी कि ये हफ्ता दोस्तों आपके इन्वेस्टमेंट की बात करके देखें, आपकी सेविंग्स की बात करके देखें, आपके दोस्तों परिवार की बात करके देखें, तो वहां पे चीजें अच्छी होने वाली है दोस्तों। सेविंग से बात करेंगे, बिकॉज सेकंड का लॉर्ड दोस्तों जब भी सेकंड हाउस में होता है, और दोस्तों साथ में बुध जो कि आपके कैलकुलेटिव माइंड को डिनोट करता है, थर्ड का लॉर्ड है, तो आपकी आपके कैलकुलेशन दोस्तों, आपकी जो सेविंग होती है, आपको जो पोर्टफोलियो होता है, उसको आप अच्छे से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, उसको आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, डिसीजन आपके ठीक चले जाते हैं, तो ये एक दोस्तों अच्छा काम हो गया। दूसरी बात दोस्तों कि अगर आप देखेंगे थर्ड हाउस में आपका शुक्र नीच का है, और शुक्र आपके चार्ट में फोर्थ का लॉर्ड है, फोर्थ यानी कि आपके मदर का लॉर्ड, वो अपने से 12th हाउस में राहु के इम्पैक्ट में दोस्तों, यहाँ पे क्योंकि मदर की थोड़ी सी इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, और साथ में दोस्तों मंगल का भी इम्पैक्ट आ गया, तो कई बार क्या होता है दोस्तों ऐसे मदर को चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है, या अगर आपको लंग्स के इशू है तो लंग्स में दोस्तों थोड़ी सी दिक्कत आती है, कंजेशन बढ़ जाता है लंग्स के अंदर। तो ऐसे में अगर आप स्मोकिंग में है, अल्कोहल में, या कुछ मतलब तंबाकू है, या मतलब इसी तरह से कुछ चीज में अगर आप हैं, बीड़ी सिगरेट में अगर आप हैं, तो आपको अवॉइड करना पड़ेगा स्मोकिंग, तो उसको आपको प्रॉपर तरीके से अवॉइड करनी पड़ेगी, वरना यहाँ पे लंग्स में इशूज आ सकते हैं। बाकी और हम लोग देख के चले ठीक है दोस्तों टाइम। और हाँ दोस्तों मेजर बात, बस एक हफ्ता जो बात पहले से एप्लीकेबल है आपके ऊपर, 12th हाउस दोस्तों मंगल अभी भी दोस्तों पूरे 12th हाउस में रहने वाले इस पूरे हफ्ते भी, तो चोट के दोस्तों संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। और सूर्य के साथ दोस्तों बुध जिसके राशि मंगल दोस्तों, यहाँ पे चोट लगने की अगर लग गई गलती से भी, पैरों में चोट लगी दोस्तों, फोन आपका जो पैरों में चोट भी लग गई दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ऐसे में एंकल ट्विस्ट होने के चांस, या कई बार माइनर प्लास्टर के भी चांस बन जाते हैं। तो दोस्तों सब जिम्मेदारी के साथ, बाकी काम काज के लिए दोस्तों टाइम में कोई कमी नहीं है। चलिए 4 नंबर कैंसर कर्क होगा, माते 5th नंबर लियो सिंह, सूर्य की राशि, इनके लिए कैसा रहेगा? दोस्तों सूर्य की बात करके देखें, सिंह की बात करें दोस्तों, अच्छा हफ्ता, रॉकिंग हफ्ता दोस्तों, सेलिब्रेशन वाला हफ्ता दोस्तों, देखेंगे आपके पूरे हफ्ते सेल्फ हाउस में दोस्तों बुध आदित्य योग बनने वाले दोस्तों, ये बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है सिंह वालों के लिए, बिकॉज सिंह लगन के अंदर या सिंह राशि के अंदर, बेसिकली सिंह लगन की बात करें, हम लगन से बात करते हैं, बुध दोस्तों बोलते हैं 11th गेन इनकम विश फुलफिलमेंट, और सेकंड वेल्थ और सेविंग इन्वेस्टमेंट कॉलर दोस्तों, उनका उसका पूरे हफ्ते सेल्फ हाउस में रहना, और दोस्तों सामने से शनि जो कि आपके चार्ट में 7th पार्टनरशिप का लॉर्ड है, करियर का लॉर्ड है, इनका आपस में कंजंक्शन में आ जाना, या आपस में दोस्तों एक दूसरे के सामने आ जाना, काम काज चले दोस्तों अच्छा हो जाता है। जैसे मंगल अभी भी आपके 11th हाउस में रहने वाला है, सुपर डुपर दोस्तों कॉम्बिनेशन बन जाता है दोस्तों, बस थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि सेकंड हाउस में शुक्र का नीच का होना, राहु के इम्पैक्ट में आ जाना दोस्तों, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो थायराइड की दिक्कत जिन लोगों को है दोस्तों, इनको टॉन्सिल से दिक्कत बहुत ज्यादा रहती है, छालों को दिक्कत है, जाड़ों में दिक्कत है दोस्तों, आपके दांतों में दिक्कत है, उनको दोस्तों थोड़ा सावधानी के साथ रहना, बिकॉज सेकंड हाउस इन चीजों को डिनोट करता है। टंग तो इनको जीभ में बहुत छाले बने रहते हैं, या मुंह से दोस्तों जिनको प्रॉब्लम रहती है दोस्तों, जो लोग तंबाकू में ज्यादा है, गुटके में ज्यादा है दोस्तों, उनके लिए टाइम थोड़ा सा वीक हो सकता है। बट काम काज की बात करके देखें, मंगल का दोस्तों 11th हाउस में होना, प्रॉपर्टी डीलर की बात करके देखें दोस्तों, वो सभी लोग जो सरकारी जॉब के अंदर है, सरकारी जॉब की तैयारी करें दोस्तों, उन सभी के लिए, या पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं दोस्तों, आने वाले चुनावों में हरियाणा चुनाव की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, झारखंड महाराष्ट्र की बात करें, वहां पे टिकट पाना चाह रहे हैं, या एक अच्छी पोजीशन पे जाना चाह रहे हैं, तो दोस्तों उनके लिए टाइम यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है। चलिए लियो सिंह का भी होगा, हम आते हैं 6 नंबर वर्गो कन्या, इनके लिए कैसा रहेगा बुध की दूसरी राशि? दोस्तों इनके लिए भी टाइम लगभग लगभग ठीक, हम इसलिए भी कह सकते हैं दोस्तों कि आपके 12th हाउस में दोस्तों बनेगा बुध आदित्य योग दोस्तों। अब 12th का लॉर्ड दोस्तों 12th हाउस, पहले बात हम लोग मान के चलते हैं
कि 12th का लॉर्ड 12th हाउस में नेगेटिविटी को कम करता है, खत्म करता है, जीरो कर देता है। तो इनफैक्ट 12th का लॉर्ड 12th हाउस में भी सूर्य जैसा प्लैनेट जो कि किंग ऑफ प्लैनेट्स है, वो आपको बहुत बड़ा विपरीत राज देकर चलता है, इट्स अ बिग थिंग। तो साथ में आपके सेल्फ का लॉर्ड भी बुध भी आ गया। अब ऐसा क्योंकि बुध छोटा प्लैनेट है, सूर्य बड़ा प्लैनेट है, तो ऐसे में बुध जब सूर्य के पास जाता है तो सूर्य की तरह ही रिएक्ट करेगा, उसकी अपनी पावर काम नहीं करती। तो ऐसे में क्या दोस्तों, हम लोग कहते हैं कंबशन बिल्कुल साथ आने से दोस्तों। तो कई बार क्या कि आपको जो सेल्फ का जो कॉन्फिडेंस है थोड़ा सा डाउन चले जाता है, बिकॉज सेल्फ का लॉर्ड दोस्तों 12th हाउस में आ गया, सूर्य की रोशनी में अपनी रोशनी खत्म हो गई, उसकी अपनी पावर खत्म हो गई, तो आपका जो ऑरा है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, वो थोड़ा सा डाउन आ जाती है। और दोस्तों वैसे भी अगर हम लोग देख के चलें कि जब 12th का लॉर्ड 12th हाउस में आता है तो थोड़ा सा नुकसान होता ही है। तो दोस्तों साथ में क्या है कि ये है आपके करियर का भी लॉर्ड है 10th का, उसका भी दोस्तों 12th ओवरसीज में ना, ओवरसीज से आपका करियर जुड़ जाता है, ओवरसीज में ट्रेवलिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है। और दोस्तों 10th से 3rd हाउस बनने से आपकी शॉर्ट ट्रेवलिंग भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली दोस्तों जिनका करियर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ है, कॉल सेंटर में जॉब है, एमएनसी में जॉब है, उनको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। बट सेल्फ की जो दोस्तों हम लोग बात करके देखें, आपके माइंड, आपकी कंफ्यूजन की एंग्जाइटी की, वो दोस्तों थोड़ा परसिस्ट करेगी। देखो आपकी पर्सनैलिटी या आपके ना दोस्तों कहते हैं ना कि वो एक एक सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आना दोस्तों, वो यहाँ पे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दोस्तों वो कई बार यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि आपका सेल्फ का लॉर्ड 12th हाउस में आने से सूर्य के साथ आने से अपनी पावर खत्म होती है। लेकिन ओवरऑल दोस्तों चीजें ठीक है यहाँ पे, आपकी ट्रेवलिंग और आपके काम काज में दोस्तों बहुत, स्पेशली उनके लिए इनका काम दिल्ली अपने कंट्री से बाहर या अपने स्टेट से बाहर जाता है। चलिए फ्रेंड्स, 6 लग्नों की बातें हो गई, कैसा रहेगा इनके नेक्स्ट वीक कमिंग वीक, ये तो है जनरल, बाकी आपकी कुंडली और दशा मैटर करती है कि आने वाला आपका टाइम कैसा है। तो फोन उठाइए और अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के 6 लग्न हम कल डिस्कस करेंगे हमेशा की तरह पार्ट 2 में। तो बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी फ्रेंड्स, दोस्तों टेक केयर, स्लेवर, जय हिंद, जय भारत।